हिमाचल प्रदेश बजट से जुड़ी बड़ी जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। हिमाचल में 30,000 से अधिक पद भरे जाएंगे। 2021-22 में स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 4,000 पद भरे जाएंगे। शिक्षा विभाग में शिक्षकों के 4,000 पद भरे जाएंगे। शिक्षा विभाग में मल्टी टास्क वर्करों के 8,000 पद भरे जाएंगे। लोक निर्माण विभाग में मल्टी टास्क वर्करों के 5,000 पद भरे जाएंगे। जल शक्ति विभाग में पैराफीटर, पंप ऑपरेटर और मल्टी टास्क वर्करों के 4,000 पद भरे जाएंगे। इसके अलावा पुलिस, बिजली बोर्ड, जेई, सहायक अभियंता, पशुपालन विभाग में विभिन्न श्रेणियों के पद, जीओआईटी के पद और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के भी कई पद भरे जाएंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजट भाषण में घोषणा करते हुए 2021 में प्रदेश में सरकारी 30,000 से अधिक कार्य मौलिक पदों को भरने का लक्ष्य रखेगी। शुरू होगी स्वर्ण जयंती नारी स्वावलंबन योजना। स्वर्ण जयंती नारी स्वावलंबन योजना शुरू करने की घोषणा 65 साल से ऊपर की महिलाओं को बिना आय प्रमाण पत्र के 1,000 रुपए प्रतिमा पेंशन दी जाएगी। इससे प्रदेश की 60,000 महिलाएं लाभान्वित होगी। 2021-22 में 40,000 से अतिरिक्त पेंशन लाभार्थी सामाजिक सुरक्षा पेंशन में जोड़े जाएंगे। 1,050 करोड़ सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर खर्च होगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजट की घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश में खिलौना क्लस्टर बनाया जाएगा। ऊना में प्रस्तावित 1,000 करोड़ रुपए के बल्क ड्रग पार्क में 4,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इन्वेस्टर मीट में एमओयू के तहत 10,000 करोड़ के निवेश की ग्राउंड ब्रेकिंग भी जल्द होगी। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 3,016 करोड़ रुपए का बजट। बजट 2021-22 में हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 3,016 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। इसमें बीते वर्ष के मुकाबले 314 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है। अंशकालीन कर्मियों से जुड़ी खबर। अंशकालीन कर्मी और नंबरदारों का मानदेय बढ़ाया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजट में प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग में कार्यरत अंशकालीन कर्मी और नंबरदारों का मानदेय 300-300 रुपए बढ़ाने की घोषणा की है। जल गार्ड, पैराफीटर और पंप ऑपरेटर का मानदेय 300 रुपए बढ़ाने की घोषणा की है। एसएमसी आईटी शिक्षकों, मिड डे मील कर्मियों का मानदेय बढ़ाने की घोषणा। एसएमसी शिक्षकों के प्रतिमाह मानदेय को 500 रुपए बढ़ाने की घोषणा की है। आउटसोर्स आईटी शिक्षकों का प्रतिमाह मानदेय भी 500 रुपए बढ़ाने की घोषणा की है। मिड डे मील कर्मी और कैरियर का प्रतिमाह मानदेय 300 रुपए बढ़ाने की घोषणा की है। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना संकट में आशा वर्करों ने बेहतरीन काम किया, इसलिए आशा वर्करों का वेतन 750 रुपए बढ़ाया जाएगा। शिक्षा क्षेत्र के लिए 2021-22 में 8,024 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। खिलाड़ियों की डाइट मनी दोगुनी करने की घोषणा। 3री, 5वीं, 8वीं कक्षाओं के लिए परीक्षा अनिवार्य की जाएगी। स्पोकन इंग्लिश कोर्स शुरू किए जाएंगे। शतरंज के खेल में बच्चों को प्रोत्साहित किया जाएगा। खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की डाइट मनी दोगुनी करने की घोषणा की गई है। पंचायत चौकीदारों का मानदेय बढ़ाने की घोषणा। पंचायत चौकीदारों का मानदेय 300 रुपए बढ़ाने की घोषणा की गई है। सिलाई अध्यापकों का मानदेय भी 300 रुपए बढ़ाने की घोषणा की। 102 पंचायतें निर्विरोध चुनी गई, इन्हें 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। 412 नई ग्राम पंचायतें बनाई। अब कुल 3,615 पंचायतें होगी। ये सभी नवगठित पंचायतों में पंचायत घर बनेगी। ये चरणबद्ध तरीके से बनाए जाएंगे। पंचायतों में 2,982 कॉमन सर्विस सेंटर बनेंगे। बागवानों के लिए 543 करोड़ रुपए का किया प्रावधान। बागवानों के लिए 5 लाख पौधों का आयात किया जाएगा। बागवानों को उपदान देने के लिए नई स्वर्ण जयंती समृद्ध बागवान योजना शुरू की जाएगी। हेलमेट के लिए बागवानों को उपदान दिया जाएगा। इसके लिए 60 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने राज्य मधुमक्खी बोर्ड के गठन की घोषणा की है। 2021-22 में फूलों की खेती के लिए 11 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। बागवानों के लिए 543 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। दूध खरीद मूल्य 2 रुपए बढ़ाने की घोषणा। 2021-22 में मिल्क फैट को 28 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। विधायक प्राथमिकता राशि को 120 करोड़ से 135 करोड़ किया। जायका परियोजनाओं को प्रदेश के सभी जिलों में चलाया जाएगा। प्राकृतिक कृषि से 50,000 नए किसान जोड़े जाएंगे। नाबार्ड के तहत विधायक प्राथमिकता राशि को 120 करोड़ से 135 करोड़ किया जाएगा। प्रदेश के 2 विद्यालय के लिए 5 करोड़ रुपए का अनुदान को स्थापित किया जाएगा। सिंचाई के तहत 4,000 हेक्टेयर क्षेत्र लाया जाएगा। विधायक महिला मंडलों, युवक मंडलों और स्वयं सहायता समूहों को विधायक निधि से 50,000 रुपए की अनुशंसा कर सकेंगे। हिमाचल में विधायकों को 1 अप्रैल 2021 से पूरा वेतन मिलेगा। पहले कोरोना के चलते मात्र 30% की कटौती इसमें की गई थी। डिस्क्रिप्शनरी ग्रांट को भी 1.75 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1.80 करोड़ रुपए किया गया है। आईटीआई के संस्थानों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा शुरू की जाएगी। मार्गदर्शन के अनुसार में
साहब ने मेरी सरकार ने राजस्व विभाग में पुराने अप्रचलित नियमों और विनियमों में संशोधन के लिए एक विशेष विशेषज्ञ समिति का गठन किया है, जो कि वर्तमान कानून और नियमों में उचित संशोधन एवं राजस्व संबंधित मामलों के शीघ्र निपटारे हेतु अनुशंसा करेगी। अध्यक्ष महोदय, में राजस्व विभाग में कार्यरत अंशकालीन कर्मियों का मानदेय 300 रुपए प्रति माह बढ़ाने की घोषणा करता हूं, तथा नंबरदारों के मासिक मानदेय को 300 रुपए बढ़ाने की भी साहस घोषणा करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मेरी सरकार केंद्रीय बजट में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 2021-22 के दौरान देशव्यापी परियोजनाओं को बढ़ाकर 2,27,000 करोड़ रुपए करने तथा इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्र को भी लाने के लिए केंद्र सरकार का हार्दिक आभार व्यक्त करती है। केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश को 17,03,626 में से लगभग 13 लाख घरों को घरेलू नल कनेक्शन अब तक उपलब्ध करवाए गए हैं। 2021-22 में इस कार्यक्रम के अंतर्गत 3 लाख और घरों को नल कनेक्शन उपलब्ध करवाए जाएंगे। 2020-21 के दौरान 3 जिलों क्रमशः किन्नौर, लाहौल स्पीति और ऊना में सभी घरों में नल कनेक्शन उपलब्ध करवा दिए गए हैं। केंद्रीय सहायता से 2021-22 में प्रदेश के 3 और जिलों क्रमशः सोलन, हमीरपुर और बिलासपुर में भी 100% घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, आंशिक रूप से कवर ग्रामीण बस्तियां जहां पर प्रति व्यक्ति 55 लीटर प्रति दिन से कम पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है, को पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु 740 करोड़ रुपए का प्रस्ताव न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी द्वारा फंडिंग हेतु भेजा गया है। स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत 24 पेयजल योजनाओं जिनमें से 3,154 बस्तियां लाभान्वित होंगी का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, 187 पेयजल योजना जिनमें लगभग 77,000 घर लाभान्वित होंगे के लिए 903 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को एडीबी द्वारा अंतिम रूप दे दिया गया है। सभी औपचारिकताएं पूर्ण होने के बाद इन योजनाओं का निर्माण निकट भविष्य में प्रारंभ होने की संभावना है। अध्यक्ष महोदय, 2021-22 में विभिन्न उठाऊ पेयजल एवं सिंचाई परियोजना के संचालन हेतु बिजली भुगतान के लिए 604 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मेरी सरकार द्वारा प्रयास है कि इस व्यय को कम किया जाए। पौंटासाग क्षेत्र में प्रायोगिक आधार पर सौर ऊर्जा आधारित पेयजल योजना का निर्माण 2021-22 में किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 10 ऐसी परियोजनाएं चिन्हित की जाएंगी जहां बिजली की अत्यधिक खपत हो तथा वहां पंपों को सौर ऊर्जा से चलाया जा सके। अध्यक्ष महोदय, लोगों को जल परीक्षण प्रयोगशालाओं में नाममात्र शुल्क पर पेयजल के नमूनों की जांच की सुविधा में विस्तार किया जाएगा, जिसके लिए नौ नई जल परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। पानी के बिलों के लिए ऑनलाइन भुगतान तथा नए कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन हेतु मोबाइल ऐप उपलब्ध करवाया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, शहरी क्षेत्रों में नई मल निकासी योजनाओं का निर्माण व पहले से निर्मित मल शोधन संयंत्रों के सुधारीकरण का कार्य किए जाने का भी प्रस्ताव है। शहरों में लगते 166 चिन्हित ग्रामीण क्षेत्रों को पहले से निर्मित मल शोधन संयंत्रों से जोड़ा जाएगा। इन संयंत्रों से शोधित जल को पुनः प्रयोग में लाने हेतु भी प्रयास किए जाएंगे। इस समय पायलट आधार पर 4 मल निकासी योजनाओं का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस योजना को प्रदेश के अन्य घनी आबादी वाले क्षेत्रों में भी लागू किया जाएगा।